दिया, कल रात को आके बोल रहा था कि देख ले, मेरे को बल्कि पैसों का भी लालच दिया जा रहा था। वो ना लोगों की, कुछ लोगों की सोच कैसी है भाई, तो अब मैंने देख लिया भाई, भलाई का जमाना नहीं है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, और मैं बात करने वाला हूँ गौरवजोन वर्सेस एंडी गुज्जर के बारे में। तो एंडी गुज्जर एक दिन पहले अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, बिगेस्ट फ्रॉड इन यूट्यूब इंडिया, गौरवजोन एक्सपोज्ड। तो उस वीडियो में एंडी गुज्जर कई सारे टॉपिक पे बात किए। सबसे पहले वो बात किया यूट्यूब क्विट ड्रामा के बारे में। अगर तो आप लोग गौरवजोन को पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को जरूर से पता होगा कि गौरवजोन एक साल पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, लिविंग यूट्यूब डिलीटिंग माय चैनल नो क्लिक बैट। तो उस वीडियो में गौरवजोन यूट्यूब क्विट करने के बारे में बात कर रहे थे, जिसका रीजन वो दिए थे डिप्रेशन। तो एंडी गुज्जर अपने वीडियो में बताया कि वो सिर्फ एक ड्रामा था, वो एक क्लिक बैट था जो कि वो व्यूज और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए कर रहे थे। फिर वो बात किए टेक्निकल गुरुजी और गौरवजोन के कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। एंडी गुज्जर बताया कि जो कंट्रोवर्सी हुआ था गौरवजोन और टेक्निकल गुरुजी के बीच में, उसमें पूरा का पूरा गलती गौरवजोन का ही था, और वो कंट्रोवर्सी वो खुद क्रिएट करना चाहते थे ताकि उनका व्यूज बढ़े और उनके सब्सक्राइबर्स भी गेन हो। फिर वो बात किए टू ब्रदर्स कंट्रोवर्सी के बारे में। तो एंडी गुज्जर बताया कि टू ब्रदर्स एंड गौरवजोन के बीच जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें भी गौरवजोन का ही गलती था। फिर वो बात किए फंड रेजिंग स्ट्रीम के बारे में, जो कि वो पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के लिए किए थे। तो एंडी गुज्जर का कहना है कि उन्होंने जितने भी पैसे कलेक्ट किए हुए थे उस फंड रेजिंग स्ट्रीम से, उन्होंने एक रुपया भी डोनेट नहीं किया सीआरपीएफ मार्टिर्स के लिए, बल्कि वो सारा पैसा उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। फिर वो बात किए फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। एंडी गुज्जर बताया कि गौरवजोन फ्लाइंग बीस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और एंडी गुज्जर ने कई सारे वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए जहाँ पर गौरवजोन फ्लाइंग बीस्ट को गालियाँ भी दे रहे थे। और भी कई सारे लोगों के बारे में बात की एंडी गुज्जर, जिन्हें गौरवजोन बिल्कुल पसंद नहीं करते और बहुत सारे गालियां भी देते हैं, जैसे रोहित ऑन वेब, मुंबई कर निखिल। तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें एंडी गुज्जर ने गौरवजोन को एक्सपोज किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। फिर कल एंडी गुज्जर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लाइव आए थे, और वो बताया कि कल गौरवजोन उनके घर आए थे और उन्हें वीडियोज डिलीट करने के लिए बोल रहे थे, और वो उन्हें पैसे के लालच भी दिखा रहे थे वीडियोज डिलीट करने के लिए। आप खुद सुनिए एंडी गुज्जर के मुंह से कि एग्जैक्टली गौरवजोन ने उन्हें क्या कहा। कल रात को आया था भागा भागा मेरे घर पे, बिल्कुल रात के 12 बजे करीब, मैं सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा दूंगा, गली में खड़ा होकर आवाज मार रहा था एंडी एंडी एंडी। ऊपर आया मैं स्टूडियो में, तो मेरे स्टूडियो में आया एंड देन मेरे से उसने बात करी कि भाई देख यार वीडियो को कर दे, हटा दे यार, जैसे करना चाहे वैसे कर दे। तो भाई देखो मैंने साफ मना कर दिया, वीडियो नहीं हटेगी। उसने पैसे दिए थे जो लाइव वाले पैसे थे ना, वो सबसे पहले आके उसने ये बोला कि भाई पहले पेमेंट करो अपनी। तो उसने जो पेमेंट थी वो करवाई किसी दोस्त से अपने से, और स्क्रीनशॉट मंगवाया उसका सीआरपीएफ वाला, तो वहाँ पे वो 20,000 रुपये की पेमेंट हो गई थी। देन 18,000 रुपये का था तो उसने 20,000 कर दिए थे। अच्छी बात है, ब्याज तो देना पड़ता उसे एक महीने का, ठीक है, शहीदों को तो खैर और भी ज़्यादा ब्याज देना पड़ता। तो उसके बाद में उसने करा, फिर वो बोल रहा कि भाई अब तो मैंने पेमेंट कर दी है तो अब तू वीडियो हटा दे। अब वो ये खेल रहा था बिकॉज उसकी बदनामी हो रही थी, तो ये बोला था कि वीडियो की जो पेमेंट है मैं बस 20,000 रुपये तक यहाँ से छूट जाता हूँ। तो मैंने उससे क्लियरली बोल दिया कि भाई वीडियो प्राइवेट या फिर डिलीट नहीं होगी। देन उसने बोला कि भाई क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी है, तो मैंने बोला कि मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए सोचने के लिए कि वीडियो डिलीट करनी है या नहीं करनी। तो मैंने क्लियरली उससे बोल दिया कि भाई वीडियो डिलीट नहीं होगी, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको प्राइवेट कर सकता हूँ, मेरे को सोचने के लिए टाइम चाहिए। देन भाई देखो अपना जो क्लियर बात थी वही थी कि मैं अड़के रहा उस चीज़, आधे घंटे के लिए वो जो वीडियो थी वो मैंने प्राइवेट रखी। देन उसके बाद में लोगों के काफ़ी हेट कमेंट मेरे को आ रहे थे एंड मेरे को बुरा लग रहा था कि मैंने वीडियो जो है प्राइवेट कर दी है, तो मैंने वीडियो दोबारा से कर दी भैया पब्लिक। फिर भाई इसकी दोबारा किलसी सुबह तक, और भाई वीडियो लोगों में फैली। ऐसे दोस्तों से बढ़िया तो दुश्मन है, और अच्छा है अभी मेरा दुश्मन बन गया। कल रात को आके बोल रहा था कि देख ले, मेरे को बल्कि पैसों का भी लालच दिया जा रहा था कि कुछ ले दे के हो जाए। तो भाई बस ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो मेरी इससे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, तो पर्सनल कोई वो नहीं था मेरा इससे, और मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो इसके रिलेटेड नहीं डालूंगा। जो 5-5 साल के लौंडे बोल रहे हैं कि भाई देखो गौरव भाई सही है ये और वो है, तो भाई देखो तुम्हारा गौरवजोन तुम्हें मुबारक। ओके, अभी तक गौरवजोन ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ नहीं कहा, वो बस एक चीज कंफर्म की है कि उन्होंने जितने भी पैसे कलेक्ट किए हुए थे फंड रेजिंग स्ट्रीम से, वो सब उन्होंने ऑलरेडी डोनेट कर दिया है, और उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। गाइस हम शूटिंग कर रहे थे अभी, और मेरे पे कुछ यार काफी इनबॉक्स आ रहे थे, एक दो तो मैंने इग्नोर कर दिए, बट कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं यार। पब्लिक के सामने ये चीज मैटर क्लियर करना मेरा फर्ज है, ठीक है भाई। तो सीन ऐसा है, जो पुलवामा के लिए फंड रेज जो करा था मैंने पहले, तो उसमें सीन ऐसा था कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। पेटीएम नंबर दिया था हमने कि भाई पेटीएम करो, और सुपर चैट से पैसे आए थे। पेटीएम का जो था
वो एंड टू एंड वहीं पे ट्रांसफर कर दिया था, बट जो सुपर चैट जो पैसे होते हैं वो अपडेट होने में टाइम लगता है यूट्यूब का, ठीक है। तो अब जैसे यूट्यूब सुपर चैट का अपडेट हुआ उसमें बने थे करीब 18,000 समथिंग थे और मैंने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए BSF को। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टोरी देखो, ठीक है, पहले वो देखो ट्रांसफ़र वाली। तो सारे स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिए कितने पैसे बने थे और कितने ट्रांसफ़र करे। यार क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए ना मामला यार, क्योंकि मेरे को दिख गया भाई, कुछ लोग तो बस बात की जड़ ढूंढते हैं कहाँ से मिल जाए, गौरव की बात ऐसी पकड़ें कि हम एक्सपोज बनाए। तो ये सीन है, मैंने क्लियर कर दिया मामला। और यकीन नहीं मानो, मैंने उस टाइम जब मैं लाइव कर रहा था तो मैंने व्लॉग बनाया था, मेरे को पता था भाई कि ये बसूड़ी हो गई, आजकल दीन ईमान नहीं है भाई किसी की भलाई करने का, ठीक है। तो मैंने वो भी बनाया था, अभी मैं घर जाऊंगा तो वो लैपटॉप में आपको वो दिखाऊंगा पूरा फोल्डर कि मैंने क्या रिकॉर्डिंग करा था, पेटीएम इनफैक्ट सब वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने कि मेरे पे होना चाहिए। बट आप में से कुछ लोग कहे हुए आप भाई आपने कहा था व्लॉग बनाऊंगा, भाई व्लॉग इसलिए नहीं बनाया मैंने क्योंकि यार खाली पैसे ट्रांसफर करने का क्या व्लॉग बनाता, मेरे जैसे व्लॉग की लेंथ देखते हो आप 10 मिनट या 15 मिनट, तब यार 1-2 मिनट का मैं क्या व्लॉग बनाता। मैंने कहा उसको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, बट मेरे को नहीं पता था ना भाई लोगों को इतना मौका मिल जाएगा भाई कि भाई टांग खींचें एक्सपोज करें इसको, पैसे खा गया 18,000 वो भी, अरे यार मतलब हद ही कर दिया। तो लेट्स सी यार गौरवजोन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या गौरवजोन खुद को डिफेंड करेंगे वो तो हमें बाद में पता चलेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और इसी तरह के YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।